गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे इन दिस वीडियो ऑफ क्लास सेवेंथ केमिस्ट्री विल बी स्टडिंग चैप्टर 4 दैट इज एनिमल फाइबर. बिफोर गोइंग टू द टॉपिक एनिमल फाइबर विल स्टडी फ्यू टॉपिक्स लाइक फाइबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स एंड फ्यू एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू दिस थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म फाइबर. Fiber are long, thin, thread-like strands of natural or artificial substances, especially one that is used to make cloth or rope. ठीक है, फाइबर क्या है? लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्टैंड्स है. लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्टैंड्स, जैसे आप घर में देखते होगे, समटाइम्स योर मदर यूजेस थ्रेड्स फॉर स्टिचिंग एंड सेविंग पर्पस. तो फाइबर्स क्या है? वैसे ही लॉन्ग थिन थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स के स्ट्रैंड्स हैं. ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस, किस चीज़ से बना हुआ? नेचुरल चीज़ से. नेचुरल चीज़ किसे बोलते हैं हम लोग? जो नेचर के द्वारा हम लोगों को मिलता है, या फिर आर्टिफिशियल सब्सटेंस से बना हुआ, मतलब जो हम लोग खुद ह्यूमन बींग अपने से बनाते हैं, जो केमिकल्स का यूज करके बनाया जाता है हम लोग ह्यूमन बींग के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सब्सटेंस. और नेचुरल सब्सटेंस किसे बोलते हैं? जो नेचर के द्वारा हम लोगों को मिलता है. ठीक है, तो फाइबर क्या है? लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्टैंड्स. लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्टैंड्स मतलब थ्रेड के जैसा है. ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस, किसका बना हुआ? या तो नेचुरल सब्सटेंस का बना हुआ है या आर्टिफिशियल सब्सटेंस का बना हुआ है. स्पेशली वन दैट इज़ यूज टू मेक क्लोथ और रोप. और यूज़ कहाँ होता है इसका? क्लोथ्स या रोप्स बनाने में. ठीक है, कपड़ा बनाने में या रस्सी बनाने में. ठीक है, आई थिंक दिस टर्म फाइबर इज क्लियर. फाइबर क्या है? लॉन्ग थिन थ्रेड्स लाइक स्टैंड्स मतलब थ्रेड के जैसा, लंबा पतला थ्रेड के जैसा है. ठीक है, ऑफ नेचुरल आर्टिफिशियल सब्सटेंस. सब्सटेंस किस चीज़ से बना हुआ है? नेचुरल सब्सटेंस से या फिर आर्टिफिशियल सब्सटेंस से. स्पेशली वन दैट इज़ यूज टू मेक क्लोथ और रोप्स. और क्या किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? क्लोथ्स या रोप्स को बनाने के लिए. ठीक है, अब देखो फाइबर का टाइप्स देखते हैं. जैसे फाइबर अभी हम लोग पढ़े यहाँ, नेचुरल और आर्टिफिशियल. तो जो नेचुरल फाइबर हुआ वो हुआ जिसको हम लोग नेचर से मिलता है, और आर्टिफिशियल वो हुआ जो सिंथेटिक होता है, हम लोग ह्यूमन बींग बनाते हैं. अब नेचुरल फाइबर भी दो टाइप का होता है आपका. सिंथेटिक का तो दो टाइप हुआ आपका, नायलन और पॉलिस्टर. वैसे ही नेचुरल फाइबर दो होता है, एक एनिमल फाइबर्स और एक प्लांट फाइबर्स. एनिमल फाइबर्स वो होते हैं जो एनिमल से हमें मिलता है, और प्लांट फाइबर वो होते हैं जो प्लांट से हमको मिलता है. ठीक है, सबसे पहला चीज़ क्या हुआ? फाइबर. फाइबर हम लोग देखें, फाइबर क्या है? लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्टैंड से, जो कि नेचुरल फाइबर, नेचुरल सब्सटेंस से या फिर आर्टिफिशियल सब्सटेंस से बना हुआ होता है, जिसका यूज़ हम लोग क्लोथ्स बनाने में या रोप्स बनाने में करते हैं. ठीक है, ये दो आपका बहुत प्राइम यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूजेस इसी पर्पज़ के लिए होते हैं. ठीक है, अब फाइबर्स का टाइप देखते हैं. दो टाइप का होता है, नेचुरल और सिंथेटिक. नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. अब सिंथेटिक फाइबर का कौन कौन सा टाइप है? नायलन और पॉलिस्टर हो गया. उसके बाद हम पढ़ते हैं नेचुरल फाइबर का. तो नेचुरल फाइबर का दो हुआ, एक है एनिमल फाइबर जो कि हमें एनिमल्स के थ्रू मिलता है, और एक है प्लांट फाइबर जो प्लांट से मिलता है. अब एनिमल फाइबर का एग्जांपल आप देखो, सिल्क और वुल. ये दोनों चीज़ कहाँ से मिलता है? हमें एनिमल्स से. और प्लांट फाइबर का एग्जांपल हुआ कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प. ये सब किसका एग्जांपल है? प्लांट फाइबर का. ठीक है, आई थिंक दिस टर्म्स आर क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स आर फाइबर्स विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट और एनिमल. नेचुरल फाइबर कौन सा चीज़ है? जो नेचर के द्वारा मिलता है, और नेचर के किसके थ्रू मिलता है? प्लांट या एनिमल से. जो किससे मिलता है? प्लांट या एनिमल से. एग्जाम्पल देखो आप, कॉटन, जूट, ये दो कहाँ से मिलता है? प्लांट से. और वूल, सिल्क कहाँ से मिलता है? एनिमल से. ठीक है, तो नेचुरल फाइबर कौन सा फाइबर है? जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलता है. और प्लांट और एनिमल क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है ना.
तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि नेचुरल फाइबर वो फाइबर है जो हमें नेचर से मिलता है, ये बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना कि वो फाइबर है नेचुरल फाइबर जो फाइबर हमें नेचर के द्वारा मिलता है। तो नेचर से किसके थ्रू मिलता है, प्लांट के हेल्प से मिलता है और एनिमल के हेल्प से मिलता है, या प्लांट के थ्रू मिलता है या एनिमल के थ्रू मिलता है। प्लांट के थ्रू मिलने वाला कौन कौन सा है, कॉटन और जूट, और एनिमल से वुल और सिल्क। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर क्लियर हुआ। नेचुरल फाइबर कैसा फाइबर है, जो नेचर से मिलता है, नेचर से किस फॉर्म में मिलता है, प्लांट से, इधर प्लांट के थ्रू मिलता है या फिर एनिमल्स के थ्रू मिलता है। प्लांट के थ्रू कॉटन जूट मिलता है, एनिमल के थ्रू वुल और सिल्क मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर का दो फॉर्म, एक प्लांट फाइबर एक एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर देखो, अब प्लांट फाइबर देखते हैं। प्लांट फाइबर्स आर फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। प्लांट फाइबर वो फाइबर है जो हमें प्लांट के थ्रू मिलते हैं। किसके थ्रू मिलते हैं, प्लांट के थ्रू। एग्जाम्पल कॉटन और जूट। कॉटन और जूट किसका एग्जाम्पल हुआ, प्लांट फाइबर का। अब एक चीज़, ये चीज़ सबसे ध्यान में रखने वाला चीज़ है, ये पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। प्लांट फाइबर्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट फाइबर मोस्टली किस चीज़ से बना हुआ रहता है, सेल्यूलोज से। किस चीज़ से बना हुआ रहता है, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज एक फॉर्म है दैट इज़ मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, किससे बना हुआ रहता है प्लांट फाइबर, सेल्यूलोज से। नेक्स्ट देखते हैं एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर्स आर फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल फाइबर कैसा फाइबर है, वो फाइबर है जो हमें एनिमल्स के थ्रू मिलता है। एग्जाम्पल वुल और सिल्क। किससे मिलता है, एनिमल से। एग्जाम्पल क्या है, वुल और सिल्क। जैसे अब प्लांट फाइबर आपका सेलुलोज से बना हुआ होता है, वैसे ही एनिमल फाइबर मेनली प्रोटीन से बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है, प्रोटीन से। अंडरस्टूड, ये पॉइंट भी आप हमेशा याद रखना कि एनिमल फाइबर प्रोटीन से बनता है और प्लांट फाइबर सेल्यूलोज से बनता है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा अपना नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या है, जो हमें नेचर से मिलता है। नेचर से किसके थ्रू मिलता है, प्लांट या एनिमल के थ्रू। अब नेचुरल फाइबर दो फॉर्म में डिवाइडेड है, प्लांट फाइबर जो हमें प्लांट के थ्रू मिलता है, एग्जाम्पल कॉटन और जूट, और एनिमल फाइबर जो एनिमल के थ्रू मिलता है, एग्जाम्पल वुल और सिल्क। प्लांट फाइबर किससे बना हुआ रहता है, सेल्यूलोज से, और एनिमल फाइबर किससे बनता है, प्रोटीन से। कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं सिंथेटिक फाइबर। ये सभी तो नेचुरल फाइबर था, अब पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स आर फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बींग बाय यूज ऑफ केमिकल। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर को और क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं ना, क्योंकि वो हम लोग खुद बनाते हैं आर्टिफिशियली। तो सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर्स हैं जो ह्यूमन बींग खुद बनाता है। किसके यूज से, बाय यूज ऑफ केमिकल्स। किसको यूज़ करता है, केमिकल का यूज़ करता है। ठीक है, एग्जाम्पल नायलन और पॉलिस्टर। एग्जाम्पल क्या है, नायलन और पॉलिस्टर। क्लियर हो गया। अब हम लोग मूव करके एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर से फैब्रिक में कन्वर्ट होने के प्रोसेस क्या क्या होते हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला फाइबर हुआ आपका, सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे नीचे का यूनिट कौन सा है, फाइबर है। फाइबर को स्पिन करते हैं, स्पिन करने पे यार्न में कन्वर्ट होता है, धागा जो बोलते हो। फाइबर को स्पिन किए तो किस में कन्वर्ट हुआ, यार्न में। यार्न को वीविंग या निटिंग से फैब्रिक में, यार्न को वीविंग करने पे या निटिंग करने पे फैब्रिक में, और फैब्रिक का कटिंग एंड स्टिचिंग, कट और स्टिच करने पे गारमेंट्स या क्लोथ्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फाइबर का स्पिनिंग करने पे किस में कन्वर्ट होता है, यार्न में। यार्न का वीविंग या निटिंग करने पे किस में जाता है, फैब्रिक में, और फैब्रिक का कटिंग या स्टिचिंग करने पे किस में जाता है, गारमेंट्स या क्लोथ्स में। क्लियर, आपका फैब्रिक क्लियर हो गया, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर हो गया, और फ्लो चार्ट हम लोग देख लिए फाइबर टू फैब्रिक का। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।